हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मुबारकपुर थाना परिसर में पीस मीटिंग का आयोजन। मुबारकपुर थाना परिसर में बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे बकरीद तथा कांवरिया यात्रा के मद्देनजर पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक को संबोधित किया। वह उप निरीक्षक डीके सिंह, मुबारकपुर चौकी प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे व अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। पर्व ईद उल अजहा व कांवरिया यात्रा के दौरान शांति एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने के बारे में आगाह किया। मुबारकपुर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार आगामी 21 जुलाई को है। वही कोरोना संक्रमण के कारण कांवरिया यात्रा को निकालने पर ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान मीटिंग में उपस्थित लोगों को आगाह करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि शांति एवं सौहार्द के वातावरण में मनाएं, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं सभी नायाब दरोगा से कहा मदरसा के प्रबंधकों का मोबाइल नंबर 2 दिन के अंदर ऑफिस में उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्षता थाना प्रभारी निरीक्षक व संचालन शाहिद फारूकी एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर नुमान प्रधान, मेहताब खान, सूरज सिंह, राम अवध चौहान, ओजैफ, हाजी जमाल प्रधान, इफ्तिखार नपाजी, महावीर भारती, राधेश्याम एनुद्दीन, गुड्डू सभासद, इरफान आलमगी लोगों की जानकारी एकत्रित किया। मुबारकपुर थाना प्रभारी एसपी सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। हमारे थाना प्रभारी महोदय, इंस्पेक्टर महोदय से मेरी भी आज पहली मुलाकात है और मुझे लगता है कि बाकी लोग तो सारे लोग मुझसे बाई नेम और बाई फेस वाकिफ हैं, तो मैं अपना जितनी भी शांति समिति की मोस्टली बैठकें आज लोग भी बहुत शायद मुझे लगता है व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारण से थोड़ा मौसम भी बहुत गर्म है और हमारे एसआई और एसएसआई महोदय ने जहाँ तक संपर्क किया होगा मुझे लगता है मौसम की वजह से भी लोग नहीं पहुँच पाए होंगे। तो बड़ी भव्य और बड़ी मीटिंगें होती हैं और मुझे लगता है जनपद में इतनी बड़ी शांति समिति की बैठकें चाहे पुलिस चौकी मुबारकपुर के प्रांगण में आहूत होती हो या थाना मुबारकपुर के प्रांगण में, बहुत कम मुझे लगता है ऐसी शांति समिति की बैठकें जहाँ पे इतने जागरूक नागरिकगण जो पुलिस की एक कॉल पे अपने नैतिक जिम्मेदारी का बोध करते हुए ऐसी में बहुत ही सौहार्द की भावना है। 2005 से मैं मुबारकपुर में हूँ क्योंकि उसी समय मेरा विवाह यहाँ हुआ है और तभी से मैं सबके बीच में रही हूँ और मैं जानती हूँ जो हमारी विश्व बंधुत्व की भावना की बात की जाती है हमारे मुबारकपुर वासियों में ये भावना दिखाई देती है, कहानी नहीं पड़ती है, ये स्वयं जागरूक है और लोगों के साथ इसी जागरूकता की वजह से हमने साथ साथ मुहर्रम और दुर्गा पूजा भी किया है, लेकिन कोई वाक्य ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से हम निराश हुए हों या कलानी से भरे हों। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी विभिन्नताएं हो सकती हैं, विचार अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गुणवत्ता रही है कि हम इन अनेक विभिन्नताओं में भी एकता का यहाँ पे निवास है। और दो लाइन में हम कहेंगे कि हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो ऐसी भावना को लेके, ऐसी भावना को लेके जिस समाज की नींव पड़ी हो, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लेके जिस समाज की नींव पड़ी है, वहां पे आपसी द्वेष होना ही नहीं चाहिए। वह होली हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, कांवरिया के लोगों के झुंड बाबा बम्बम होने का नाद हो, सभी को एक साथ सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। यदि आपके मन में किसी की भावना से ठेस, आपस में दो हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर जात के, हर धर्म के लोग में गंभीर लोग हैं, उनसे आप बात करिएगा और उसके बाद हमारी सहायता लीजिए। खुद बल की आजमाइश मत करने लगिएगा कि मूल बल आपके पास चला आए।
आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा राजकीय बल जब जाएगा तो आपके नुकसान करेगा सिवाय फायदे छोड़ के। दो घंटे की आप मेहनत करेंगे, हम कम से कम 20 साल आपको परेशान करेंगे। कानून ऐसी चीज है, कानून को अपने दरवाजे पे मत आने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। सोच समझ से अच्छे ढंग से त्यौहार मनाइए, और मनवाने के लिए है कुर्बानी आपकी जो 21-22-23 होगी उसमें हो रही है। जानवर जो आने के लिए बात हो रही थी, मैंने 10 दिन की छूट दी है, 10 दिन से जानवर आ रहे हैं। जानवर आने के बाद 21-22-23 को आप कुर्बानी करेंगे, इसके बाद जो जानवर शेष रह जाएंगे वह जानवर 24-25-26 तीन दिन के अंदर आप जहां उनको लीगल ट्रांसपोर्टेशन करना है कर दीजिए। उसके बाद कस्बे में जैसे मेरे स्लॉट होता था, स्लॉट न होगा न हम होने के, जब तक उसका लीगल जो है वो नहीं हो जाए। स्लॉटर आप जो कर रहे थे लीगल कर रहे थे, इलीगल में नहीं होने, ये सरकार का मंशा है, आदेश है, उसके मुताबिक काम होगा। अब तक आप जो करते आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में नहीं जानता।